नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जोड़ों के दर्द, कमर दर्द सभी में ये लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो कि मैं हर सर्दी में ये लड्डू ज़रूर बनाती हूँ। मेरे घर में ये लड्डू सभी को पसंद है, और जो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं बच्चे, उनके लिए तो ये आप ज़रूर लड्डू बनाएं, और लड्डू ज़रूर बच्चे खाएंगे। तो चलिए मेरे साथ और लड्डू बनाते हैं। ये मैं बादाम को रोस्ट कर रही हूँ और ब्राउन होने तक रोस्ट करूँगी। और ये मैं छोटी इलायची है, इसके दाने निकाल रही हूँ छिलके हटा के। छिलकों को हटा देना है। और जो वो काली मिर्च होती है ना, उसी का ये सफ़ेद मिर्च होता है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, कमर दर्द के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है। देखिए, इसको मैं कूट लूँगी अच्छे से, कूट के पाउडर बना लूँगी। चाशनी भी बना रही थी, अभी तैयार नहीं हुआ है ये। एक या दो तार तक तो बढ़िया से पकाना है। अभी मेरे बादाम रोस्ट हो चुके थे, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ब्राउन होने तक इसको भून लेना है अच्छे से, और बचे हुए घी में मैं ये काजू को भी अच्छे से भून लूंगी। दोस्तों, ये लड्डू बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन सेहत के लिए तो इतना करना ही पड़ता है। ये थोड़ा सा मैं घी डाल के और इसमें गोंद थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको भूनूंगी। ज़्यादा नहीं डालूंगी, नहीं तो ये आधा कच्चा आधा पक्का हो जाता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही भूनूंगी। और ये छोटे वाले गोंद हैं, छोटे वाले गोंद अच्छे होते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको भूनने में, क्योंकि हम इसे थोड़ा थोड़ा करके भूनते हैं, और इसे हमें बहुत ज़्यादा करके नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही भूनना है। और घी बहुत हल्का डालना है, थोड़ा सा डालना है घी। ये देखिए, चाशनी अब हमारी तैयार हो गई है लगभग। मैंने मखाना भी रोस्ट कर लिया था, मखाना और गोंद को एक में कूट लिया था मैंने।
उठने के बाद दोस्तों इसको हम चाशनी में अच्छे से मिलाएंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स थे मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया था, और गोंद और मखाने को मैंने हाथ से ही क्रश कर लिया था, कूट लिया था। मिक्सी में पीसेंगे तो वो पाउडर बन जाता है इसलिए। और ड्राई फ्रूट्स को मैंने मिक्सी में हल्का दरदरा करके, और ये चाशनी में मैंने डाल दिया है। इसको बहुत अच्छे से मिलाना है, तब तक मिलाना है जब तक चाशनी और ये मिक्सचर आपस में मिल ना जाए अच्छे से। और मिलने के बाद आप अपनी पसंद का कोई भी शेप का लड्डू बनाएं और खाएं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हर सर्दी में बनाएं। ड्राई फ्रूट्स अक्सर बच्चों को पसंद नहीं आता है, आप कितना भी कोशिश कर ले वो नहीं खाते हैं और लड्डू खा लेते हैं। इसलिए मैं हर सर्दी में ये लड्डू ज़रूर बनाती हूँ। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।